हाय फ्रेंड, आपको आज मैं दिखाने वाला हूँ कि वायर शॉर्ट पे जो होता है ना, हम लोग कितना एवी दे सकते हैं या कितना क्वालिटी चाहिए। सो बहुत सारे फ्रेशर लोग हैं जिसको पता नहीं होता है कि वायर शॉर्ट पे कितने क्वालिटी देना चाहिए और कैसा प्लेट बनना चाहिए। तो मैं आपको इस वीडियो में से दिखाने वाला हूँ कि हम लोग क्लीन प्लेट कैसे बनाना चाहिए और कैसा होता है। मैंने क्लीन प्लेट 3 शॉट लिया है। मैंने 3 शॉट का क्लीन प्लेट ऑलरेडी रेडी कर चुका हूँ, ठीक है। तो मैं आपको दिखाऊंगा कि किसी भी शॉट पे कैसे क्लीन प्लेट आपको रेडी करना है। तो मैं तीन जो शॉट था उसका कन्फ्यूजन शॉट था, तो मैं 3 शॉट का क्लीन प्लेट मैंने रेडी किया है। तो ये फ्रेशर लोगों के लिए वीडियो है, क्योंकि जब भी कोई फ्रेशर जाते हैं इंटरव्यू देने के लिए, टेस्ट देने के लिए, अगर उन लोग को वायर पेंट शॉट मिलता है करने के लिए ऑफिस में या फिर कहीं पे भी, तो वो लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं। वहाँ पे वो लोग ए भी देते हैं, तो वहाँ पे एक्चुअली ए भी देना है, पर कैसा आपको ए भी देना है वो पता नहीं होता है। तो आपको कैसा वहाँ पे टेस्ट देना है आपको मैं बताऊँगा। तो आपको वायर शॉट पे ज़्यादा ए भी का टेंशन नहीं लेना, आपको वायर शॉट पे लुक फील अच्छा लगना चाहिए। तो वायर शॉट पे जब भी आप करो, लुक फील हमेशा आपको अच्छा लगना चाहिए। और अगर आप ऑफिस में काम करते हो और आपको कोई वायर शॉट करने दिया है, तो आपको क्या करना है वहाँ पे, आपको वायर शॉट का जो प्लेट बनाओगे उसको एक बार QC से या फिर TL से अपना अप्रूवल कर लो, फिर सीक्वेंस में स्टार्ट करो। क्योंकि अगर आपने क्लीन प्लेट बनाया और आपका TL उसको अप्रूव नहीं किया, तो आपका जो पेंट हुआ वेस्ट हो जाएगा। इसीलिए सबसे पहले आप जान लो कि आपका जो शॉट है वो TL या QC ही अप्रूव करेगा। इसलिए आप बेटर रहेगा अपने प्लेट को एक बार अप्रूवल करा लो, उसके बाद सीक्वेंस पे स्टार्ट करो। तो ऐसा भी कर सकते हो, बहुत लोग करते हैं, ठीक है। तो आपको मैं दिखाता हूँ कैसा होना चाहिए। मैंने ये एक शॉट लिया, ओके, एक शॉट मैंने ये लिया और एक शॉट मैंने ये लिया। मैंने 3 शॉट लिया। आप देख सकते हो 3 शॉट पे डिफरेंट प्लेट बनाने का तरीका है। तो मैं आपको एक्सप्लेन पहले करता हूँ। सबसे पहले देखो, आप यहाँ पे आपको हटाना है, तो यहाँ पे आप जान लो ये जो वायर है और ये जो वायर है, तो कैसे हटाना है आपको। तो आप इसको तो सिंपल सा क्लीन करके हटा सकते हो, पर यहाँ पे आपको कुछ करेक्शन मिल सकता है, ओके। आपने यहाँ रिमूव किया, तो आपने यहाँ से यहाँ तक 3 जगह पर रिमूव किया, तो आपका ए भी अच्छा आ गया। पर आप ध्यान दो, आप यहाँ पे अगर ए भी देते हो ना, ए भी रिमूव करने में, तो आपको प्रॉब्लम हो सकता है, आपको करेक्शन मिल सकता है। इसलिए क्या करना है आपको, यहाँ पे क्लीन प्लेट इस लाइन को कंटिन्यू करना है और इसको भी कंटिन्यू करना है ऐसे टाइप का, क्योंकि ये वायर की वजह से ये इसका बॉडी जो है ना अंदर चला गया है। तो आपको यहाँ पे ऐसा एक शेप क्रिएट करना पड़ेगा, तभी आपका ये प्लेट अप्रूवल होगा। तो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे मैंने किया है। यहाँ तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक होल टाइप का बना हुआ है, तो इसको भी आपको फिल, यहाँ पे जैसा है ना ये चीज़, यहाँ पे आपको फिल करना पड़ेगा। यहाँ पे फिल करके आपको यहाँ पे क्लीन करना पड़ेगा, यहाँ पे ये कंटिन्यू रखना पड़ेगा और ये सब निकालना पड़ेगा, ओके। तो इसका प्लेट मैं आपको दिखाता हूँ मैंने कैसे बनाया है। तो आप देख सकते हो मैंने प्लेट ऐसा बनाया, मैंने इसको थोड़ा सा स्ट्रेट कर दिया, लाइंस को स्ट्रेट कर दिया और ऐसा प्लेट मैंने क्रिएट किया। तो आपको देख सकते हो कि वायर शॉट पे ए भी होता है, पर उतना भी ए भी नहीं होता है कि आप पूरा मतलब ए भी कट टू कट दे दो। इस वायर शॉट पे लुक फील हमेशा अच्छा लगना चाहिए। देखो इस पर लुक फील कितना अच्छा लग रहा है, देख सकते हो आप। तो ये चीज़ देखो आप, कितना अच्छा लग रहा है। तो वही होता है, इस पर लुक फील आपको अच्छा देना है। अब इस प्लेट को आप अप्रूवल करा लो TL या QC से, और इसको आप कंटिन्यू कर सकते हो पेंट करने के लिए, सीक्वेंस पेंट या न्यू जो भी चाहते हो करना कर सकते हो, क्योंकि आपको वैसा ही क्रिएट करना पड़ता है वायर शॉट पे। लाइंस कंटिन्यू है, यहाँ पे भी कंटिन्यू किया मैंने, तो आप देख सकते हो, ओके। तो फर्स्ट शॉट कैसे करना है वो एक्सप्लेन कर दिया मैंने। अब सेकेंड शॉट पर आता हूँ मैं। तो आप सेकंड शॉट देख सकते हो, आप नॉर्मल वायर रिमूव कर दिए सपोज, तो क्या है यहाँ पे तो कुछ करेक्शन नहीं मिलेगा आपको, पर यहाँ पे शायद करेक्शन मिल सकता है और यहाँ पे करेक्शन मिल सकता है इस एरिया पे, क्योंकि यहाँ पे ऊपर खींच रहा है जिसकी वजह से आप करेक्शन मिल सकता है। तो आपको ऐसा प्लेट क्रिएट करना है यहाँ पे है जो इस लाइन को रिमूव कर दे, इसको रिमूव कर दो क्योंकि ये खींचने से आया है, और ऐसा टेक्सचर यहाँ पे ऐड कर सकते हो इस टाइप का, ओके। और यहाँ पे थोड़ा सा कर्व ऐड कर सकते हो। तो आपको अपने हिसाब से प्लेट को क्रिएट करना पड़ता है पेंट शॉट करने में, अगर आप पेंट चाहते हो करना। तो ऐसे जो वायर शॉट होते हैं ना, वायर शॉट पे प्लेट को हमेशा सोच क्रिएट करो कि लुक फील देखने में अच्छा लगे। लुक फील अच्छा लगता है तो आप उस प्लेट को कंटिन्यू कर सकते हो, ओके। तो इसका प्लेट दिखाता हूँ कैसा बनाया मैंने। देखो मैंने इसका प्लेट ऐसा क्रिएट किया, मैंने इसको हटा दिया
यहाँ पे जो होता हटा दिया मैंने, अब इसको मैं कंटिन्यू कर दिया। अब इस प्लेट को कंटिन्यू कर सकते हो आप पेंट करने के लिए या फिर कुछ भी करना है तो कंटिन्यू कर सकते हो। ठीक है, अब थर्ड शॉट पे आता हूँ मैं। जब आपको ऐसा पेंट शॉट मिले तो क्या करना है मैं बताता हूँ। आप देख सकते हो यहाँ भी कि यहाँ भी वायर है और यहाँ पे भी थोड़ा खींच रहा है, यहाँ पे शैडो है, यहाँ पे वायर खींच रहा है। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे तो खींच रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे भी देखो गैप हो गया है, इस दो जगह पे गड्ढा टाइप का हो गया है ना। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ प्लेट कैसे बनाना है आपको, सबसे पहले जो गैप है ये गैप ऐसा नहीं होना चाहिए, यहाँ पर गड्ढा नहीं होना चाहिए। आपने प्लेट पहले रिमूव कर लिया तो यहाँ पर गड्ढा फील आएगा, तो गड्ढा फील नहीं करना आपको। आपको ऐसा नॉर्मल प्लेट बनाना है, ऐसा प्लेट यहाँ पर क्रिएट करना है। तो यहाँ भी ए बी दिखा नहीं जाता उतना। ओके, यहाँ भी जो है ये लाइन्स को आप कंटिन्यू कर दो, और ये रिंकल्स अब एक्स्ट्रा रिंकल्स उसको हटा दो, क्योंकि सब रिंकल्स खींचने की वजह से आया है तो हटा सकते हो। ठीक है, यहाँ भी आप शैडो थोड़ा सा रिमूव करके ब्राइट कर सकते हो शैडो को। ठीक है, और यहाँ भी देखो यहाँ पे आप इस लाइन को कंटिन्यू कर सकते हो, कंटिन्यू कर सकते हो, कंटिन्यू कर सकते हो, पर आपको इस एरिया पे थोड़ा सही से रिफाइन करना पड़ेगा और इस एरिया पे सही से रिफाइन करना पड़ेगा प्लेट को, तब उसके बाद आप प्लेट को कंटिन्यू कर सकते हो। यहाँ पे भी ये टेक्सचर जो लाइन से इसे रिमूव कर देना, क्योंकि नहीं चाहिए, क्योंकि ये खींचने की वजह से आया है। तो मैं दिखाता हूँ कैसा मैंने प्लेट बनाया है। देखो मैंने प्लेट ऐसा बनाया है, आप देख सकते हो मैंने प्लेट यहाँ पे ऐसा खींचा है। तो आप इस प्लेट को कंटिन्यू कर सकते हो। अभी भी इस प्लेट में कुछ थोड़ा करेक्शन है, पर आप क्यूसी दिखा के अपना प्लेट को रिफाइन कर सकते हो। आपको लगता है कि प्लेट बड़ा अच्छा है, रिफाइन अच्छा है मतलब किया मैंने, तो आप कंटिन्यू कर दो प्लेट को। आपको लगता है प्लेट को क्यूसी दिखा ले तो क्यूसी दिखा सकते हो आप, उसके बाद प्लेट को कंटिन्यू कर सकते हो। तो वायर शॉट में मोस्टली यही होता है कि प्लेट आपका प्लेट कैसा बने, आपका प्लेट जितना अच्छा बनेगा उतना अच्छा आप उसको पेंट करके जल्दी अप्रूव करा सकते हो। और वायर शॉट में ज़्यादा ए भी देखा नहीं आता, क्योंकि वायर से जो पुल खींचते हैं हम लोग उसको प्रॉपर होना चाहिए, लुक फील अच्छा होना चाहिए, इसीलिए ज़्यादा ए भी देखते नहीं वायर शॉट पे। अगर बॉडी पे ऐसा वायर है तो यहाँ पे ए भी देखा नहीं जाएगा, यहाँ पे देखा जाएगा लुक फील कैसा है तुम्हारा, बस वही होता है। यहाँ भी सेम देखो आप, यहाँ पे हम ए भी देखेंगे नहीं, यहाँ लुक फील देखेंगे आपका लुक फील कैसा होता है। तो आपको हमेशा वायर शॉट पे आपको लुक फील देखा जाता है। ठीक है, और इस पर भी देख सकते हो आप, यहाँ पे आप ए भी मत देखो, यहाँ पे लुक फील देख सकते हो। सो वायर शॉट पे हमेशा लुक फील दिखा जाता है। सो ये वीडियो था फ्रेशर लोग के लिए। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू गाइज़।